हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ भुट्टा कैसे सीखते हैं वो शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ भुट्टा शेयर कर रही हूँ। भुट्टा को हम किस तरह से सेकेंगे, मैं इसे डायरेक्ट गैस पर नहीं सेक रही हूँ। जिससे डायरेक्ट गैस पर सेकते हैं तो एक काली भी हो जाती है, काफ़ी जल भी जाती है, चारों तरफ से बराबर भी नहीं सीख पाती है। आज हम गैस पर नहीं सेकेंगे इसे। ये देखिए, इस तरह से कच्चा होना चाहिए भुट्टा। ये देखिए काफ़ी कच्चा है, इसे हम छील लेते हैं अच्छे से। ये देखिए दोनों भुट्टे को मैंने अच्छे से छील लिया है, और ये धागे जो नज़र आ रहे हैं इसमें, ये भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। जितना हो सके इस तरह से इसे साफ कर दीजिए। ये देखिए आगे से ये जो खाली दिखाई दे रहे हैं इसे हम कट कर देंगे। यहाँ पे दाने नहीं है बिल्कुल भी। मैंने यहाँ एक छोटी चम्मच बटर लिया है, अमूल बटर। इसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल टीना किचन में देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। यहाँ डाल रही हूँ मैं बटर में ब्लैक पेपर, थोड़ा डाल देंगे हम ब्लैक पेपर यहाँ, हाफ टी स्पून। ब्लैक सॉल्ट थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। ये भी मैंने हाफ टी स्पून ही लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस बटर को हम लगाएंगे इसके ऊपर अच्छे से, चारों तरफ से हमें लगा देना है। आप चाहे तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से अप्लाई कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बटर को अच्छे से अप्लाई कर दिया है मैंने। यहाँ मैंने लिया है एल्यूमिनियम फॉइल, इस पर हम इसे लपेट देंगे इस तरह से। हमें इतना ही एल्यूमिनियम फॉइल लेना है कि इसे कवर कर दे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये कवर हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इतने अच्छे से कवर हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा भी कवर कर लेते हैं। मैंने यहाँ कुकर लिया है, मेरा कुकर यहाँ चौड़ाई में ज़्यादा है, इसलिए इसमें भुट्टा अच्छे से रखा जा सकता है लंबाई में। अगर आपके पास कुकर की चौड़ाई कम है तो आप भुट्टे को दो टुकड़ों में कर सकते हैं, नहीं तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं इसे, इडली स्टैंड में बना सकते हैं इसे, इडली के स्टैंड निकाल के जो इडली का कुकर रहता है आप उसमें भी बना सकते हैं। इसे मैंने प्री हीट कर लिया है, और मैंने पीछे से थोड़ी सी डंडी इसकी काट दी थी हल्की सी, ताकि ये कुकर में अच्छे से सेट हो जाए। मैं यहाँ दोनों भुट्टे को कुकर में डाल देती हूँ। ये देखिए कुकर में बहुत ही आसानी से आ गया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देते हैं भुनने के लिए। कुकर के ढक्कन की सीटी निकाल दें और रबड़ निकाल दें। जिस तरह से हम केक को बेक करते हैं वैसे ही करना है। ये देखिए अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे किसी चीज़ से बाहर निकाल लेते हैं। मुझे इसे बनाने में टोटल 20 मिनट लगे हैं। 15 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर बनाया है, और 5 मिनट के लिए लास्ट में मैंने हाई फ्लेम पर कर लिया था गैस को। इसे मैंने बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हैं भाप निकल रही है इसमें, काफ़ी गर्म है ये थोड़ा अपने आप से खुल गया है। निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये जले भी नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं। जब हम डायरेक्ट आंच पर सेकते हैं तो ये जल जाते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, अच्छे से पक गए हैं ये, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। इसमें बटर था इसलिए ये बहुत टेस्टी हो गए। अब इसमें डाल रही हूँ चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, छिड़क रही हूँ इसके ऊपर, थोड़ा और चटपटा हो जाएगा ये। सॉल्ट मैंने पहले डाल दिया था, बटर में भी सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट भी डाल दिया था, इससे सॉल्ट की इसकी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। अगर आपको लगती हो तो आप ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं इसमें। थोड़ा नींबू का रस बहुत ज़रूरी है भुट्टे के ऊपर।
ये देखिए हमारा चटपटा मसालेदार भुट्टा बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कहीं से भी जला नहीं है और बराबर पक गया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।